तो हम जस्ट फिनिश माय स्ट्रीम ऑन द गेमिंग चैनल। अभी हम खाने जा रहे डिनर। तीन गेम खेले हमने वहाँ पे, दो गेम तो ऐसे ही गए, तीसरा गेम मैंने अच्छा खेला, मैंने जितवाया। उसके बाद हमने TDM खेला जो कि हमने स्ट्रीम नहीं किया, जो हमने डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम किया। ओ भाई TDM में क्या मजे आया, उसकी अल्टीमेट मजे आया TDM करने में। सो आउट ऑफ नो वेयर मी एंड रितु स्टार्टेड डिस्कसिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट विच इज आर इनिशियल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। इसमें तो जब हम लोगों ने फ्लाइंग स्टार्ट की थी, हम लोग बहुत ट्रस्ट करते थे, अरे क्या जहाज है, मतलब जब जब से एयरबस फ्लाई करते हैं। रितु को बोला कि तू सेस्ना पानी के ऊपर फ्लाई कर लेगी, कहती है कभी नहीं, मैं भी ना जाऊं। क्या है भाई, घंटी बजाई जा रही है। मालदीव फोटो, रश्मि पहचान गई कि ये मालदीव की फोटो है। हम क्या कर रहे हो? पापा वीडियो बनाने हैं। पापा का वीडियो बना रहे हो? हाँ। अच्छा इधर आओ, चलो पहले पापा को हग दो, पापा को राम राम बोलो। इधर आओ। हे बाबी, मामा, हे मामा, यहाँ से मामा वापस नहीं है। राम राम, राम जय माता दी, जय पापा। गाइस वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। आज है 1st of September, नया महीना, और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही जरूरी काम। पापा, हाँ, ऑडियो ऑडियो लगाएंगे। हाँ। कौन सा गाना सुनेगा? प्यार कर रही हूँ, मार रही हूँ उसको। रश्यू हमारा बेबी या रश्यू का बेबी? तो गाइस जैसा आपको पता है कि एयर एशिया के अगेंस्ट मैंने कुछ सेफ्टी कंसर्न्स रेज किए थे। जब वो रेज किए थे तो लोगों ने कहा था कि क्यों कर रहे हो, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। मैंने राइट चैनल्स को अप्रोच किया, जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोशल मीडिया पे रेज किया, और ये सोशल मीडिया का प्रेशर ही था, ये आप लोगों का प्रेशर ही था, ये हमारी आवाज कलेक्टिव आवाज थी कि कुछ एक्शन लिया गया। तो आज से पहले बहुत सारी कंप्लेंट्स गई है DGCA को, बट कुछ एक्शन नहीं हुआ क्योंकि किसी के पास एक कलेक्टिव वॉइस नहीं होती। मुझे लगा कि मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा कि एक सेफ्टी कंसर्न मैं बाहर लेके आया, जनरल पब्लिक के लिए लेके आया। आई एम ट्राइंग टू मेक इंडियन स्काई सेफर। DGCA ने वो चीज़ें सही पाई, बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने RTI फाइल की। तो DGCA ने साफ कहा कि जो वो रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स करते हैं उनमें उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता, बट जो स्पेशल सेफ्टी ऑडिट हुआ था विच वॉज आफ्टर माई कंप्लेंट स्पेसिफिकली मैंशन इन RTI, दे फाउंड सिस्टमिक डिफिशियंसीज इन दैट, और एयर एशिया के टॉप ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया। दिस वॉज ऑल ओवर द न्यूज, ऑल ओवर नेशनल मीडिया। बट उसका नतीजा क्या हुआ? द विसल ब्लोअर हु ट्राइड टू मेक द इंडियन स्काई सेफर, विसल ब्लोअर हु शुड बी अवॉर्डेड फॉर कमिंग अप, फॉर स्टैंडिंग अप, वॉज फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी। सो कंपनी इज जस्ट ट्राइंग टू सेट अ वेरी बैड एग्जाम्पल कि कल को अगर आप सही भी हैं, अगर आप सही भी हैं, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। वो पनिशमेंट मुझे मिली, बट नाउ जस्ट टू सेट अगेन अ गुड एग्जाम्पल कि ये गलत है और मैं उसके खिलाफ फाइट करूंगा। आई एम सेंडिंग वन नोट टू री इंस्टेट मी, गिव मी माई जॉब बैक, बिकॉज आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। री इंस्टेटिंग मी बैक will is not something कि अरे अब हम कैसे कर दे, हम तो गलत हो जाएंगे। नहीं नहीं, it is just do what is right। काम नहीं तो नहीं, रितु टूथपेस्ट नहीं है घर पे, दो दिन से चूरम से साफ करना होता है यार। नहीं बट बात ये कि आप कैसे करते हो, मुझे ये जानना है, करते हो कि नहीं, मुझे ये जानना है कि ऐसे निपट लेते दिन ठीक है। गाइस आज भी हमें टूथपेस्ट नहीं मिला, हम ये दंत मंजन से करेंगे, इट्स अ गुड दंत मंजन, नॉट बैड दंत मंजन। हेलो भाई सब यहाँ बैठे हुए, सर मैं निकल जाऊँ प्लीज, मुझे निकलना है भाई। नमस्ते अंकल, एनवेलप चाहिए अंकल, इसमें आ जाएंगे ना अपने जरूरी कागज, एड्रेस वेड्रेस सब डाल दिए, अब जा रहे हैं यहाँ से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में इसको करेंगे स्पीड पोस्ट। भाई साहब ये गोलगप्पे वाली ये रेडी देखो, कितना सामान, माय गॉड, लेकिन यार गजब इंजीनियरिंग लगाई है भाई ने, इतना सामान एक छोटी मारुति में भी ना है भाई। ओ भाई साहब क्या बाइक है, वाह, यही है क्या? नहीं ये नहीं है, आगे आ गया ये वाला। भाई साहब स्पीड पोस्ट कौन सी विंडो से होगा? लास्ट टाइम जब पापा आए थे यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन थी, 2 घंटे लग गए थे, आज भाई साहब क्या किस्मत है, फटाफट, व्हाट अ ग्रेट सक्सेस। गंगा जल उपलब्ध है प्रति बोतल 30 रुपया, छुट्टे तो है नहीं भाई, धन्यवाद सर। सर एक गंगा जल भी दे दिए उधर से, आज पवित्र हो जाएंगे सर, 30 रुपए का ना एक, थैंक यू सर। अच्छा इसका वो होता है क्या? सो गॉट दिस गंगा जल फॉर 30 रुपीज, उन्होंने मेरा नाम और फोन नंबर भी ले लिया, वो कहते सरकारी कागज है, ये इन्फॉर्मेशन हमें आगे देनी होती है कि हमारे देश में कौन कौन पवित्र हो रहा है। दिस इज नॉट
कि अब कुछ ऐसा पर्सनल है या कुछ है, मेरे को किसी से सिंपथी चाहिए। मेरी जो फाइट है वो तो मैं लड़ी रहा हूँ और मैं अंतिम अंतिम जब तक जान है एनर्जी है अब मैं वो फाइट लड़ूंगा। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट अबाउट द सिस्टम कैसे आपको दबाने की कोशिश करता है जब आप सही चीज़ के लिए खड़े होते हैं और सारी पावर्स मिल जाती हैं आपको दबाने के लिए। और वो इसलिए नहीं दबाते कि अगर उनको मेरे केस पे बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाना पड़े ना, जिससे उनको नुकसान हो, वो फिर भी वो नुकसान सहेंगे। वो नुकसान इसलिए सहेंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। कोई कंपनी में अगर आपका कोई ग्रीवेंस हो जाए, आप कमान लो 10,000 रुपये का केस फंस गया किसी कंपनी में, वो कंपनी उस केस को जीतने के लिए 1 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया भी लगा देगी वो, लेकिन वो 10,000 रुपये आपको रिफंड नहीं करेगी। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। क्योंकि आज अगर उसने आपके 10,000 रुपये रिफंड कर दिए और कल को वैसे 5,000 लोग भी खड़े हो गए, सब अपने 10,000 रुपये मांगेंगे, तो इमेजिन हाउ बिग अ लॉस इट इज फॉर कंपनी। सो कंपनीज विल शेल आउट एग्जॉर्बेंट अमाउंट ऑफ मनी, एग्जॉर्बेंट अमाउंट ऑफ पावर, कि जस्ट वो ये दिखा सके कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और अब मेरी भी लड़ाई सिर्फ इसीलिए है कि सही आदमी को आप दबा नहीं सकते। भाई साहब, जिस हिसाब से मार्केटों में भीड़ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना के केस कम हो रहे हैं, बट अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो कोरोना के केस भाई साहब 80,000 कल, 80,000। मैं जब कानपुर में था, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो दिन के 1,000 आते थे केस कंट्री वाइड, दिन के 1,000 केस। तो लगता था भाई साहब ये क्या हो रहा है कंट्री में, और अब 80,000 नॉर्मल है, चलता है। कल आपको बताऊँ गजब चीज़ क्या हुई। कल के ब्लॉग में मैंने कहा था कि भाई प्लीज़ लोग घर आते हैं, आई रिक्वेस्ट की थोड़ा सा मत आया करो, देख लिया करो। भाई साहब जैसे ही ब्लॉग अपलोड किया वैसे घर पर कोई आ गया, मैंने कहा ले। अब मेरे को सोल्यूशन नहीं मिल रहा इसका मेरे पास, लेकिन एक सोल्यूशन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, कि आप लोगों से डिस्कस किए बिना मैं वो करना नहीं चाहता, क्योंकि वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से अगर कोई अगर मेरे घर आया तो मैं उसको ब्लॉग में ले लिया करूँगा और उसको बोला करूँगा कि आप मेरे घर क्यों आए, ये गलत चीज़ करी आपने, और इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग की आज्ञा होगी तभी ये काम किया जाएगा, वरना काम नहीं किया जाएगा। अरे अंकल जी तो निकल ही जाएंगे, अंकल जी को इतना भाव में बह रहे हैं, भावनाओं में देखो, ग्रेट रिस्पेक्ट। अच्छा अंकल जी वहाँ जाके ऐसे गए सो दैट ही बिकम्स द पार्ट ऑफ द ट्रैफिक एंड डजंट सीम लाइक ही इज ब्रेकिंग द सिग्नल। वाओ, दिस इज अ गुड टेक्निक। ये अंकल लेकिन दिलदार निकले, उन्होंने कहा माँ की बहन ऐसे निकल गए, ये सही है, थोड़ा सा वहाँ जाओ, बिकम द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड देन यू गो शू। चलो 3, 2, 1 लेट्स गो। और सिर्फ 24 सेकंड मिले निकलने के लिए, बंद हो जाता है सिग्नल 120 सेकंड के लिए, और निकलने के लिए 24 सेकंड, बहुत ना इंसाफी है भाई। 24 सेकंड में तो कुछ लोग अपना रिएक्शन टाइम 4 सेकंड लगा देते, तो 20 सेकंड मिलते पीछे वालों को। तो भाई रशु पापा के लिए वेजीज बना रहा है, क्या है ये, कौन सी वेजी है? बड़ा शी नोज मशरूम, ये वही है ना जो पापा के मुंह में आप ठूसते हो सुबह सुबह पापा जब सो रहे होते हैं तो। I was just looking at Rashu, just looking at her, how she spends her day and what she does throughout the day. कितने मासूम से बच्चे होते हैं, and just thinking कि यार वो पेरेंट्स जो अपनी बेटी दूसरों को दे देते हैं, सबको देनी पड़ती है, शादी तो रिवाज है। And sometimes when the girl doesn't get along in the other house, by that I don't mean कि नोक झोक हो गई, थोड़ी लड़ाई हो गई डेली की, बट वॉट हाँ वो तो सबकी होती है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, तो बेस्ट फ्रेंड में भी होती है, मेरी चली जाती है अभी हो जाएगी। बट वॉट आई मीन इज ऑन अ सीरियस नोट कि सम पीपल बीट अप देयर बहू और बीवी और द होल हाउस डज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट दी न्यूली वेड गर्ल, थोड़ा सा जला देंगे, किचन में कुछ कर दिया, नो इन द रेगुलर स्टफ व्हिच यू सी ऑन टीवी। तो मोटे पेरेंट्स पे क्या बीतते हो जिन्होंने अपनी बेटी दी है? नहीं, फूल से बच्चे हैं। देख इसमें, इस लड़की में और जिस लड़की को चलाया जाता है उसमें क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं है, वो भी इतनी प्यारी होगी अपने पापा को। है रशि, इधर देखो एक बारी, मेरा गुड़िया आज तो बन के रहेंगे मशरूम। सोफे पे नहीं करो, इधर आ जाओ सोफे पे नहीं। रशि मम्मी कैसे बोलती है? अल्लो अल्लो, कम हियर, बैठो बैठो। अच्छा बताओ क्या करना है? मटर है, हो गया काम, गिर गया मशरूम, पुट इट हियर। तो मैं कहता रितु यहाँ गिर गई थी, तो रशि भागे भागे आई और मम्मा को उठाने लगी, कहती है ऑलवेज हेल्प अदर्स, गुड मैनर्स। क्या बोलते हैं रशि? रिपीट अदर्स मतलब हेल्प अदर्स है ना। जा बेटा जा, तेरे किस्मत में अभी नहीं है, तो पहले बड़ी हो जा फिर करियो आयु। रशु जिस पीछे तुम ऊपर आ रहे ना, पीछे से नीचे आना पड़ेगा, मुझे तो होप से के बता दो। रशु बना दिया आपने और पापा के एक बना दिए, चलो फिर नीचे बना खाते हैं। क्या बना वहाँ पे? रितु को कुछ काम था, मैंने कहा भाई मैं भी चलता हूँ, मैं घर में बैठे क्या करूंगा, पीसी में कितना काम कर सकता हूँ, बोर हो जाता है, तो मुझे ब्रेक चाहिए, मैं बाहर चलता हूँ।
और बाहर चलेंगे तो थोड़ा कॉफी वॉफी पी लेंगे, कुछ कर लेंगे। फिर ट्रैफिक में क्या पीना है? क्या पीना है? शी पिक्स अप एवरीथिंग व्हाट आई सेड। आई हैव टू बी रियली केयरफुल कि मैं घर पे भी क्या क्या बोलता हूँ, है ना। अभी हम लोग 2 घंटे बाद घर जा रहे हैं, पूरा घुमा घुमा के कार वार में। जैसे ही घर जाएंगे, पापा बाहर जाना है, पापा बाहर जाना है। क्यों? भारी है बेटा, इसको बाहर कहते हैं। इतना घुमा के लाओ, घुमा के लाओ, घर पहुँचते। हाँ भाई नटखट, टेढ़ी नजरों से देख रहा है तू। मैंने देखा तो टेढ़ी नजर से देखता है भाई, सारी चीजें करते ऐसे 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 करके ऐसे। क्यों दो भाई? बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्यों बंद कर दो? क्यों कर दो? बैक होम। हम लोग इतने बड़े आलसी लोग, हम लोग वैसे तो घर से निकलते नहीं है कि क्या निकलेंगे, घर पे बैठ के चाय पीते थे, क्या कॉफी पियेंगे। और जब निकले तो जब वहाँ पहुंचे, काम हो गया, कॉफी पीने की बारी आई, अरे मोटे घर चलो, क्या गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, सच्चा घर पे बढ़िया चाय मिलाती हूँ। घर पे बढ़िया चाय पीने आ गए तो मैंने कहा बढ़िया चाय तो मैं बिस्किट लेकर आता हूँ। इवेंट आशो आराम को साइड में आते हुए मैं इतने बढ़िया बिस्किट लेके आया, वहाँ कहते हैं कि बिस्किट भी लेने चले गए। बहुत बढ़िया बिस्किट है, ऐसे बिस्किट है नंबर 1 इन द वर्ल्ड ऑफ दिस प्लैनेट। मतलब घर से जब निकलते हैं तब शीशे के सामने 2 घंटा, आने के बाद भी शीशे के सामने 2 घंटा। जब आप गेम खेलते हो मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ओ ये देखो अभी 2 घंटे गेम खेले, ओ ये देखो अभी 4 घंटे गेम। दैट इज माई वर्क।